Hello everyone and welcome back to our channel CMI Times. NEET के aspirants इस साल 10% EWS quota reservation के लिए eligible होंगे. EWS category के लिए योग्यता 50% है, जो online application form में परिवर्तन करने और EWS श्रेणी में एक अलग merit list तैयार करने की किसी भी आवश्यकता को समाप्त करता है. NEET UG exam में qualify होने के लिए unreserved category को भी minimum 50% marks प्राप्त करने की आवश्यकता होती है. EWS रिजर्वेशन को बढ़ी हुई सीटों के अगेंस्ट प्रदान किया जाएगा, ना कि मौजूदा सीटों पर. बढ़ी हुई सीटों की संख्या 31 मई तक जानी जाएगी, जो MBBS कोर्सेज के लिए इनटेक कैपेसिटी बढ़ाने और शुरू करने की परमिशन देने की लास्ट डेट है. काउंसलिंग अथॉरिटीज़ को उन इंस्टीट्यूट्स की पहचान करने के लिए निर्देशित किया गया है जो EWS कोटा रिजर्वेशन प्रदान करेंगे और एक अलग कैटेगरी के रूप में इन सीटों के लिए काउंसलिंग कंडक्ट करेंगे. नीट एग्जाम और MBBS से रिलेटेड न्यू नोटिफिकेशंस जानने के लिए देखते रहिए CMI टाइम्स. और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन.